लॉकडाउन में छूट मिलने के भ्रम में मंगलवार की सुबह बड़ी संख्या में लोग वाहन लेकर सड़क पर निकल गए। इस दौरान चौराहों पर लगे बैरियर के पास भीड़ को रोक दिया गया। शहर में केवल पास धारकों को आने की अनुमति दी गई। वहीं बेवजह घूमते मिले लोगों को रोककर सड़क पर ही एक एक मीटर की दूरी के घेरे पर बैठाया गया और कोरोना के खतरे से आगाह किया गया। साथ ही लॉकडाउन के दौरान घर में रहकर अपने साथी परिवार को सुरक्षित रखने को कहा गया। वहीं बिना हेलमेट, मास्क और बिना पास के गाड़ी चलाते मिले लोगों को चेतावनी देते हुए वापस लौटाया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए सीओ कैंट सुमित शुक्ला ने कहा, अरे मास्क मास्क, लॉकडाउन में कोई भीड़ नहीं, मात्र यह है कि सरकारी कर्मचारी जो हैं, सरकारी कार्यालय सारे खुल गए हैं। तो कल तमाम सरकारी ऑफिस में आने वाले लोग की संख्या बहुत बढ़ गई थी। आज सरकारी कार्यालय भी सब रोस्टर बना रहे हैं कि 33% कर्मचारी उनके समूह गांव घाके हैं। तो आज कल की तुलना में भीड़ काफ़ी कम है। इसके अलावा कुछ सामान इसी छूट मिली हुई है, जिससे कुछ इलेक्ट्रिक प्लम्बर के जो मिस्त्री हैं या ऑनलाइन डिलीवरी लोगों को छूट मिली हुई है। अब धीरे धीरे आज कल से लेकर आज सब मैनेज हो गया, कल तक पूर्ण रूप से पुनः स्थिति आ जाएगी। आम नागरिकों को के लिए जो बंदिशें पहले थी वो बंदिशें आज भी हैं, उनको किसी प्रकार कोई छूट नहीं प्रदान की गई है। आम जनमानस यही है कि 3 मई तक जब तक लॉकडाउन पूरे देश में चल रहा है, आप लोग ने जैसे अभी तक 1 महीने पालन किया है, वैसे जो आगामी 10-12 दिन बचे उनका भी कठोरता से पालन कीजिए। अभी तक गोरखपुर जनपद में कोई भी ऐसा केस नहीं आया है और आप लोग ऐसे उसका नियम और अनुशासन का परिचय देंगे तो आगे भी कोई ऐसा केस नहीं आएगा।